इस मसले को हल की तरफ नहीं ले जाती है। अगर हुकूमत मजीद पर अमनी चाहती है, अगर मजीद हुकूमत जो है अमन को खराब करना चाहती है, तो हो सकता है, मैं खुल कर बताऊं, हमारे मशरक के हाथ से हमारे जिम्मेदार अफराद के पद से निकल जाए और हम जवानों के जज्बात पर कंट्रोल न कर सके, उस सूरत में जिस किस्म का भी नतीजा हालात खराब हो जाए, जो भी नतीजा होगी वो हुकूमत और इंतजामिया के ऊपर होगा। न जिल्लत कबूल, न साजिश कबूल, शहादत कबूल, शहादत कबूल, न जिल्लत कबूल, न साजिश कबूल, शहादत कबूल, शहादत कबूल, न जिल्लत कबूल, न साजिश कबूल, शहादत कबूल, शहादत कबूल। इसलिए अगर किसी किस्म के हालात इसके बाद खराब हो जाते हैं तो तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया के ऊपर होगा, और किसी तरीके से कोई खून गिर जाता है उस खून का हक का हिसाब हुकूमत को देना होगा, हालात खराब होंगे उसका हिसाब दे हुकूमत को। और यकीनन हमारे मोहतरम बहुत बहुत कदरदान मशरा